जया बच्चन एक बार फिर राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पांचवीं बार अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा के भीतर इस बात की आलोचना हो रही है कि आखिर जया बच्चन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पार्टी लगातार उन्हें राज्यसभा भेज रही है, जबकि कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता दरकिनार कर दिए गए हैं। जया बच्चन की राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं की खूब आलोचना की। सबसे पहले तो पल्लवी पटेल ने विरोध की आवाज को बुलंद किया। अब यूं तो वो तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी ने तो अपना स्टैंड भी साफ कर दिया कि उनकी नेता किसी सूरत में सपा के राज्यसभा प्रत्याशियों आलोक रंजन और जया बच्चन के पक्ष में वोट नहीं करेगी। तो अब सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी तमाम विरोधों को झेलकर भी जया बच्चन को राज्यसभा क्यों भेजना चाहती है, और इसकी तकरीबन पांच वजहें जो निकल कर सामने आई हैं, जिनमें पहली और बड़ी वजह यह है कि जया बच्चन की सपा से लगातार पांचवीं बार राज्यसभा उम्मीदवारी के पीछे की सबसे बड़ी वजह यादव परिवार के साथ उनकी घनिष्ठता है। मुलायम सिंह यादव ने चार बार उन्हें राज्यसभा भेजा और माना जा रहा है कि जया बच्चन की इस परिवार से वैचारिक और पारिवारिक निकटता बहुत ज्यादा है। यहां तक कि अमर सिंह जब सपा और यादव परिवार से बाहर कर दिए गए तब भी जया बच्चन ने मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को नहीं छोड़ा। ये तो पहली वजह है। दूसरी वजह, दरअसल जया बच्चन डिंपल यादव की पसंद मानी जाती है। माना जाता है कि सदन के भीतर डिंपल यादव और जया बच्चन की केमिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट है। डिंपल यादव के अलावा रामगोपाल यादव भी जया बच्चन के पक्ष में रहे। तीसरी और बड़ी वजह यह है कि जया बच्चन उस आधी आबादी से आती हैं जिसका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है, और राज्यसभा में वो सपा का एक तरीके से महिला चेहरा है। चौथी वजह जो जया बच्चन को लेकर कही जा रही है कि जया बच्चन चूंकि एक सेलिब्रिटी स्टेटस उसको मेंटेन रखती है, पार्टी को लगता है कि राज्यसभा में वो एक ऐसा चेहरा है जो विचारधारा के इधर पार्टी के भीतर कला और संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है। पांचवी वजह जया बच्चन को जो भेजने की बताई जा रही है वो ये कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती। पार्टी चाहे पार्टी का संगठन हो, टिकट बंटवारा हो या फिर राज्यसभा सांसद के तौर पर हो, विकास के काम करती है। जैसा पार्टी तय कर देती है उसमें जया बच्चन कभी कोई दखलंदाजी नहीं करती, कोई हस्तक्षेप नहीं करती। हाँ, विचारों को लेकर वो कोई समझौता करती हुई दिखती है। जया को सपा महिलाओं की प्रगतिशील आवाज के रूप में भी दिखती है, ये बात भी लगातार कही जा रही है। और सबसे जरूरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जया बच्चन को महिलाओं की चूंकि प्रगतिशील आवाज के तौर पर तो देखती है, तो ऐसे में पार्टी उन्हें लगातार राज्यसभा भेज रही है, इस बात को लगातार कहा जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता हैं उदयवीर सिंह, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में महिला चेहरे के तौर पर जया बच्चन का जो फेस है वो सबसे बड़ा है। वो पार्टी का पक्ष उच्च सदन में बहुत मजबूती से रखती हैं और पार्टी की विचारधारा से पूरे तरीके से जुड़ी हुई है। वो हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और ऐसे में पार्टी ने उन्हें लगातार पांचवीं बार अपना प्रत्याशी बनाया है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हालांकि पीडीए की बात करते हैं, और जो पीडीए की बात करने और एक भी ओबीसी और मुस्लिम चेहरे को तीन सीटें राज्यसभा की उम्मीदवारी में शामिल नहीं करने पर समाजवादी पार्टी को चौतरफा आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसके लोकसभा के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा एनडीसी, ओबीसी और दलितों को सबसे ज्यादा टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा विधान परिषद की तीन सीटों में से समाजवादी पार्टी दो मुस्लिम चेहरों को उतार सकती है ताकि वो इन आलोचनाओं का सामना करना कर सके, जिसकी वजह से उन्हें राज्यसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा। जया बच्चन को लेकर हुई आलोचनाओं को देखते हुए सपा ने सभी उम्मीदवारों के लिए 37-37-37 वोट तय कर दिए ताकि किसी के प्रति पक्षपात का आरोप न लग सके। इसलिए उम्मीदवारों में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड की कोई वरीयता ही नहीं रखी गई है। पार्टी का कहना है कि सभी के लिए बराबर वोट तय कर दिए गए हैं। ऐसे में जो अपने वोट डलवा ले जाएंगे वो जीतेंगे, जिनके वोट कम पड़ गए वो हार सकते हैं। अब देखना होगा कि जया बच्चन के कोटे में आए विधायक उन्हें वोट देते हैं या फिर क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने पिछले कुछ समय से सिर्फ पीडीए का राग अलापा हुआ है, लेकिन जब राज्यसभा उम्मीदवारों की बात सामने आई तो इसमें एक भी ओबीसी या एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। सपा की प्रवक्ता पूजा शुक्ला है, वो
कहती हैं कि जया बच्चन आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, पार्टी का महिला चेहरा है, लगातार संघर्ष करती नजर आती है, पार्टी की विचारधारा को मजबूती से सदन में रखने का काम करती हैं, जनता के मुद्दे उठाती हैं और सबसे बड़ी बात महिलाओं की बात को मजबूती से वो उठाती हैं। तीन उम्मीदवारों में एक दलित चेहरा रामजीलाल सुमन का है जो कि पुराने समाजवादी रहे हैं और जाटो बिरादरी से आते हैं, उन्हें पार्टी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। लेकिन बाकी दो उम्मीदवार जया बच्चन और आलोक रंजन पीडीए से नहीं आते। आलोक रंजन पूर्व नौकरशाह हैं और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते यूपी के मुख्य सचिव हुआ करते थे। जया और रंजन दोनों कायस बिरादरी से हैं, ऐसे में तीन लोगों की सूची में दो अगड़े और एक दलित के होने की वजह से सपा के भीतर हंगामा मचा और यही वजह है कि पार्टी ने जया बच्चन के लिए कोई रिजर्व वोट नहीं रखा बल्कि सभी को एक बराबर कर दिया है। तो अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो जया बच्चन का जीतना मुश्किल भी हो सकता है।